भी कैंपस। आज हम I-41 एग्रीकल्चर का डिस्क्लोजर पे लेक्चर कवर करेंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली 6 पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। जनरल डिस्क्लोजर, जिसमें गेन और लॉस को कैसे हमने प्रेजेंट करना है और डिस्क्रिप्शन उसके बारे में क्या देनी है। फिर एक रिकन्सिलेशन बनानी पड़ती है हमें बायोलॉजिकल एसेट्स की, तो वो डिस्क्लोजर डिस्कस करेंगे। फिर कुछ और डिस्क्लोजर हैं, जैसे प्लेज, रिस्ट्रिक्शंस, कमिटमेंट्स वगैरह, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर एडिशनल डिस्क्लोजर्स कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, जब फेयर वैल्यू रिलायबली मैयर नहीं हो पा रही होती, तो उसको भी हम जो है देखेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड जो सिंपली 2-3 डिस्क्लोजर्स देने हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और एंड में हम ब्रीफली आपके साथ शेयर करेंगे इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर्स, यानी इसमें हम आपको दिखाएंगे कि जो डिस्क्लोजर्स नोट्स बनाए जाते हैं वो देखने में कैसे लगते हैं, और ये जो है स्टैंडर्ड जो है IS-41 उसकी इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल की बेस पर ही हम उसी की बेसिकली आपको दिखा रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल डिस्क्लोजर की, जिसमें गेन और लॉस और डिस्क्रिप्शन को हमने फोकस करना है। तो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है कि एन एंटिटी शेल डिस्क्लोज द एग्रीगेट गेन और लॉस राइजिंग ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑन इनिशियल रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फ्रॉम द चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। तो बेसिकली गेन और लॉस जो रिकॉर्ड हो रहा है वो 3 चीज़ों से रिकॉर्ड हो रहा है। एक इनिशियल रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, दूसरा इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और तीसरा फ्रॉम द चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का फिर बाद में चेंज रिकॉर्ड नहीं होता, बायोलॉजिकल एसेट का इनिशियल रिकग्निशन पे भी रिकॉर्ड होता है और बाद में फेयर वैल्यू का चेंज आता है तो वो भी गेन रिकॉर्ड होता है। तो एक डिस्क्लोजर तो ये हो गया कि हमने ये एग्रीगेट गेन डिस्क्लोज करना है। तो ये आप सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट्स बता के टोटल दे दें, और लेकिन ओवरऑल आपने बताना है। देन एंटिटी शैल प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। जैसे अगर आपके पास हर्ड ऑफ शीप है, या आपके पास एक जो है कैटल फॉर्म में काउज हैं और दूसरी तरफ बुफेलोज हैं, तो वो सेपरेट ग्रुप जो आप बताएंगे। अब ये ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन है, ये नैरेटिव भी दी जा सकती है और क्वांटिफाइड भी दी जा सकती है। जो स्टैंडर्ड है वो इनकरेज करता है एक एंटिटी को कि वो क्वांटिफाइड डिस्क्रिप्शन दे, यानी जिसमें हम बता दें कि हमारे पास इस ग्रुप में इतने एनिमल्स हैं, और बाज़ औक़ात उसकी अगर फर्दर हम अगर डिस्टिंक्शन दे सकें कि इसमें से लाइक न्यू बॉर्न कितने हैं, इसमें से कंज्यूमेबल और बेरर बायोलॉजिकल एसेट कौन से हैं, इसमें से मेच्योर और इमेच्योर क्या हैं। अच्छा, ये कैटेगरीज बनाना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर एंटिटी दे दे तो इनकरेज्ड है, यानी ऑप्शनल डिस्क्लोजर है। अब किस बेसिस पर एक एंटिटी ये डिस्टिंक्शन करती है, वो बेसिस भी डिस्क्लोज करनी होगी। अब कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होते हैं? कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट्स आर दोज दैट आर टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और सोल्ड एज बायोलॉजिकल एसेट, यानी ऐसा लाइफ स्टॉक जो आपने प्रोडक्शन ऑफ मीट के लिए रखा हो, या तेल के लिए रखा हो, या जैसे फिश फार्मिंग की जाती है तो जो फिश है वो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और वो सेल कर दी जाएगी, या जो क्रॉप्स होती हैं वीट की, मेज की, कॉर्न की, तो जब इन क्रॉप्स को हम काश्त करते हैं तो उसके बाद सेल कर देते हैं। तो जो ये बेरर प्लांट में जिस तरह से ट्रीज हैं, या जो एक ऐसा ट्री आप बना रहे हैं जिसकी लकड़ी आपने बेचनी है, तो वो कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट है। और फिर बेरर बायोलॉजिकल एसेट कौन से हैं? ऐसे बायोलॉजिकल एसेट जो कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट्स के अलावा हैं, जिन पे जिस तरह से एक ऐसा दरख्त जो बेसिकली फ्रूट सेल करने के लिए लगाया जाता है, या ऐसा लाइफ स्टॉक जो मीट के बजाय हमने मिल्क प्रोडक्शन के लिए रखा होता है, तो वो हमारा बेरर बायोलॉजिकल एसेट होगा। इसी तरह मेच्योर और इमेच्योर की अगर क्लासिफिकेशन करें, तो मेच्योर बायोलॉजिकल एसेट्स वो होते हैं जो अपनी हार्वेस्टेबल स्पेसिफिकेशन या तो अटेन कर चुके हैं, या अब वो रेगुलर हार्वेस्ट सस्टेन कर सकते हैं, यानी अब रेगुलरली आप उनसे जो है ना चीज़ें खा सकते हैं। अब एक ऐसा दरख्त है जो अभी फल देने के काबिल नहीं हुआ, वो इमेच्योर है। ऐसा दरख्त है अब जिससे जो है ना फ्रूट हम ले सकते हैं, तो वो बेसिकली मेच्योर बायोलॉजिकल एसेट है। इसी तरह एक अगर हमने मिल्किंग के लिए रखा हुआ एक लाइफ स्टॉक काउज एंड बुफेलोस को, तो एक ऐसी काउ जिससे हम मिल्क हासिल कर सकते हैं वो मेच्योर बायोलॉजिकल एसेट है, और अभी एक ऐसी काउ है जिसकी भी एज नहीं हुई और उससे हम मिल्क हासिल नहीं कर सकते, तो वो इमेच्योर बायोलॉजिकल एसेट है। तो इस बेसिस पर ये सारी जो है डिस्क्लोजर दिए जाते हैं। मेन पॉइंट वही है कि आपने एग्रीगेट गेन और लॉस डिस्क्लोज करना है और डिस्क्रिप्शन डिस्क्लोज करनी है। बाकी जो चीज़ें हैं
कि आप क्वांटिफाइड डिस्क्रिप्शन दें, कंज्यूमेबल बेयरर, मैच्योर इमेच्योर के अंदर क्लासिफिकेशन करें, ये इनकरेज्ड है और ऑप्शनल डिस्क्लोजर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं और बात करते हैं रिकंसिलेशन की। तो रिक्वायरमेंट है कि एंटिटी शेल प्रेजेंट अ रिकंसिलेशन ऑफ चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट बिटवीन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ रिपोर्ट करंट पीरियड, यानी ओपनिंग बैलेंस क्या था बायोलॉजिकल एसेट का और क्लोजिंग बैलेंस क्या है और उसके दरमियान आपने रिकंसिलेशन करनी है। अब ऑब्वियसली कि जिन वजूहात की वजह से चेंज आता है उन आइटम्स को अगर आप इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो ये रिकंसिलेशन बन जाएगी। अब इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो रिकंसिलेशन में शामिल क्या क्या होगा? ऑब्वियसली एक तो गेन और लॉस जो फेयर वैल्यू में होता है, इसके अंदर अगर आप सेपरेट डिस्क्लोजर दे दें फिजिकल चेंज का और प्राइस चेंज का तो वो इनकरेज्ड है। अब फिजिकल चेंज ये होता है कि एक जैसे एनिमल या ट्री की जो फिजिकल एट्रीब्यूट चेंज हुए हैं, जैसे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या हार्वेस्ट की वजह से उसकी वैल्यू में चेंज आया, ये फिजिकल चेंज है। और उसके अलावा ये कि मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से रेट बढ़ गए तो वो प्राइस चेंज है। फिर परचेजेस की वजह से भी एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, फिर सेल या हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई होने की वजह से कम हो जाते हैं, हार्वेस्ट करने की वजह से बायोलॉजिकल एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, या फिर जो बिजनेस कम्बिनेशन हैं कि हमने कोई और जो है एक और एग्रीकल्चर फॉर्म जो है एक्वायर कर लिया तो उससे हमारे एसेट्स बढ़ गए तो वो भी एक इंक्रीज हो सकता है। फिर अगर हमारे फॉरेन करेंसी में है डिनोमिनेशन तो IAS 21 अप्लाई हो रहा है तो उस बेसिस पर नेट एक्सचेंज गेन या लॉस आ सकता है जिसकी वजह से वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, या कोई और चेंजेस भी हों तो वो इसमें मैंशन किए जाएंगे। अब पर्टिकुलरली फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज की बात करें तो ये तब ज़्यादा सूटेबल होता है जब प्रोडक्शन साइकिल मोर देन वन ईयर हो, क्योंकि अगर आपका कोई ऐसा बायोलॉजिकल एसेट या ऐसी क्रॉप है जो लेस देन वन ईयर की है तो उसमें फिजिकल चेंज तो जितना भी आया वो उसके बाद सेल हो गई और ख़त्म हो गई, तो फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज वहाँ पर इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है फॉर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितना उन जगहों पर होगा जहाँ प्रोडक्शन साइकिल आपका मोर देन वन ईयर हो। फिर जो फिजिकल चेंज है वो किस वजह से राइज होता है? फिजिकल चेंज राइज होता है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से और हार्वेस्ट से। इसके अलावा जो चेंजेस आ रही होती हैं वैल्यू में वो बेसिकली प्राइस चेंज। अब हम कुछ अदर डिस्क्लोजर्स की बात करेंगे, और जब हम जनरल डिस्क्लोजर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हर वो एंटिटी जिसके पास बायोलॉजिकल एसेट्स हैं या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उनको ये डिस्क्लोजर देने होंगे। तो इफ नॉट डिस्क्लोज एल्सवेयर इन द इंफॉर्मेशन पब्लिश विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एन एंटिटी शैल डिस्क्राइब, यानी अगर आपने ये डाटा इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आउटसाइड अपनी एनुअल रिपोर्ट में किसी और चीज़ में एनवायरमेंटल रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट वगैरह के अंदर अगर आपने दे दिया तो दैट्स इनफ, फिर यहाँ देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर किसी और जगह आपने ये डाटा पब्लिश नहीं किया तो फिर आप बताएंगे कि आपकी नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ क्या हैं हर ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट के कॉन्टेक्स्ट में। फिर नॉन फाइनेंशियल मेजर्स बताएंगे खासतौर पर जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ बताएंगे जो हर ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट से रिलेट करते हैं कि इतनी काउज हैं, इतनी जो है ना बुफेलोज हैं, इतनी हमारे पास शीप हैं। और फिर आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड आप बताएंगे कि आपने कितना मिल्क बेसिकली प्रोड्यूस किया, या आपने कितना मीट प्रोड्यूस किया, या आपने एक जो ट्रीज थे उनसे कितना फ्रूट प्रोड्यूस किया। इसके बाद कुछ ऐसे डिस्क्लोजर हैं जो तकरीबन हम सारे नॉन करंट एसेट के स्टैंडर्ड्स में देखते हैं, तो वो हैं कि एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज एग्जिस्टेंस एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट हुज टाइटल इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी हमारा जो उस पर टाइटल है वो रिस्ट्रिक्टेड है कि हम उसे कुछ खास मामला के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट जिन्हें हमने सिक्योरिटी के लिए के तौर पर किसी लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी में प्लेज किया हुआ, तो सारी बातें उन्हें सेल करने पर रिस्ट्रिक्शन होंगी। इसी तरह अगर हमारी कोई कमिटमेंट्स हैं डेवलपमेंट और एक्विजिशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट के लिए कि हमने कोई एक जो है कमिटमेंट की हुई है कि किसी से हमने इतने एनिमल्स परचेज करने हैं या उस एनिमल्स कि एक सर्टन डेवलपमेंट या जो ब्रीडिंग है वो प्रोसेस हमने करना है, तो ऐसी कमिटमेंट्स को डिस्क्लोज करेंगे। और हमारी जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड उसको भी डिस्क्लोज करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी काफ़ी वॉलेटाइल होती है, बाज़ूकात वेदर कंडीशन और जो है दूसरे जो क्लाइमेटिक कंडीशन हैं उनकी वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी पर खासा फ़र्क आ रहा होता है, और उस वजह से जो हमारे फाइनेंशियल रिस्क हैं वो समटाइम्स हाई भी होते हैं समटाइम लो भी होते हैं, तो उसमें मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है वो बताना इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑफन एक्सपोज टू क्लाइमेटिक डिजीज एंड अदर नेचुरल रिस्क, तो एग्जाम्पल्स इसकी हो सकती हैं जैसे कोई वायरस आउटब्रेक हो जाती है, डिजीज है, फ्लड है, ड्राउट और फ्रॉस्ट हो जाती है, या प्लग ऑफ इंसेक्ट्स वगैरह हो जाता है। तो अब ऐसे में अगर इस तरह का कोई इवेंट अकर होता है और एंटिटी को कोई उसकी वजह से जो है मटेरियल आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस इनकर करना पड़ता है,
तो वो नेचर और अमाउंट जो है उसकी IS-1 के मुताबिक डिस्क्लोज होगी। IS-1 में ये है कि अगर ऐसी आपका मटेरियल आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस है जिसका सेपरेट डिस्क्लोजर यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी हो, तो उसको एक सेपरेट लाइन आइटम के अंदर डिस्क्लोज किया जाता है। तो वो प्रोसेस यहाँ पर भी हम ध्यान में रखेंगे। तो बेसिकली वो वुड बी अप्लाइंग IS-1, लेकिन IS-41 से रिलेट करके ऐसा इशू राइज हो सकता है। एडिशनल डिस्क्लोजर, जहां पर हम फेयर वैल्यू रिलायबली मैयर ना कर सकते हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने एसेट को कॉस्ट मॉडल पर शो कर रहे होते हैं, तो फिर हम ऐसे एसेट्स की डिस्क्रिप्शन बताएंगे, ऐसे बायोलॉजिकल एसेट्स की डिस्क्रिप्शन जिन पे हम कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देंगे कि फेयर वैल्यू क्यों मैयर नहीं कर सकते, अगर पॉसिबल हो तो रेंज ऑफ एस्टिमेट देंगे। हम कहते हैं जी फेयर वैल्यू रिलायबली मैयर तो नहीं है, बट इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 50,000 पर एनिमल टू लेट्स से 120,000 पर एनिमल। अब ये बहुत बड़ी रेंज है, इसे रिलायबल तो नहीं कह सकते कि 50 से 120 की रेंज को आप एवरेज ले लें, लेकिन ये कि एक रेंज तो एटलीस्ट मिल गई। फिर आप क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे, तो डेप्रिसिएशन मेथड बताएंगे, यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट बताएंगे, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव ऑफ इंपेयरमेंट लॉसेज बिगिनिंग एंड एंड पर बताएंगे, डिस्पोजल पर जो गेन और लॉस रिकॉर्ड होगा और इससे रिलेटेड एसेट रिकंसिलेशन में सेपरेटली डिस्क्लोज किए जाएंगे। फिर जो रिकंसिलेशन हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस की थी, उसके अंदर फिर एडिशनल आइटम आ जाएंगे जो कि कॉस्ट मॉडल से रेलिवेंट है, लाइक इंपेयरमेंट लॉस आ सकता है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस आ सकता है और डेप्रिसिएशन आ सकती है, जो कि अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं इसका, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाला, तो उसमें ऑब्वियसली ये तीन आइटम्स जो हैं वो रेलिवेंट नहीं होते। इसके बाद अगर ऐसा होता है कि फेयर वैल्यू रिलायबली मैयरेबल हो जाती है ड्यूरिंग द पीरियड, के पहले हम एक एसेट को इनिशियल रिकग्निशन पर बायोलॉजिकल एसेट को फेयर वैल्यू पे मैयर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रिलायबल मैयर अवेलेबल ही नहीं था, लेकिन इस ईयर में कुछ ऐसी मार्केट्स अवेलेबल हो गई जिसके बाद हम उसको उसकी फेयर वैल्यू को रिलायबली मैयर कर पा रहे हैं, तो फिर हम उससे रिलेटेड तीन बातों का डिस्क्लोजर देंगे कि उस बायोलॉजिकल एसेट की डिस्क्रिप्शन क्या है, एक्सप्लेनेशन कि क्यों अब फेयर वैल्यू रिलायबली मैयरेबल हो गई, और इस इफेक्ट का इफेक्ट ऑफ द चेंज, यानी जो हम कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हम कितना गेन या लॉस रिकग्नाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड सिंपली आपने तीन डिस्क्लोजर देने हैं जब एक एंटिटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो आपने बताना है जी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेकग्नाइज की हैं, ऐसी कंडीशंस और कंटीजेंसीज जो अभी तक अनफुलफिल्ड हैं, क्योंकि बेसिकली IS-41 की रिक्वायरमेंट तो ये है कि जब तक कंडीशंस मीट ना हो जाएं तब तक आप ग्रांट को रेकग्नाइज नहीं कर रहे होंगे, और अगर सिग्निफिकेंट डिक्रीज एक्सपेक्टेड ऑन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, तो बाद का तो ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी वालों को बहुत सारी सब्सिडीज और दूसरी गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल रही होती हैं जिसकी बेस पर उनका जो नेट प्रॉफिट है वो सस्टेनेबल लेवल पर शो हो रहा होता है। लेकिन अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हो कि गवर्नमेंट ग्रांट्स का लेवल कम हो जाएगा, तो उससे उनकी फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजिशन के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ सकता है और यूजर्स को ये बात पता चलनी चाहिए। तो अगर सिग्निफिकेंट डिक्रीज एक्सपेक्टेड हो लेवल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट में, तो वो भी बताएंगे। अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर्स की। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डिस्क्लोजर कुछ इस तरह का दिया जाता है। तो नॉन करंट एसेट के अंदर ही शो किए जाते हैं बायोलॉजिकल एसेट, यहाँ पे कैटेगरी इमेच्योर और मेच्योर की दी हुई है। ये कैटेगरीज देना जरूरी नहीं है, इनकरेज किया जाता है कि कंज्यूमेबल या बेयरर, इमेच्योर और मेच्योर, इन कैटेगरीज में आप अपने बायोलॉजिकल एसेट्स को शो करें। तो बायोलॉजिकल एसेट्स बेसिकली नॉन करंट एसेट में शो होंगे और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से ये सेपरेट कैटेगरी है, इस बात का ख्याल रखना है। बाकी चीज़ों में एज सच जो है स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में IS-41 का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, आपके पास जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है और फिर आप उसे कंटिन्यू कर लेते हैं, वो तब भी इन्वेंट्री बेसिकली के तौर पर अप्लाई हो रही होगी और मोस्टली उस पर IS-2 अप्लाई हो रहा होगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस जो हैं वो बाय नेचर मेंशन है। टिपिकली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बाय फंक्शन मेंशन होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स और एडमिन सेलिंग एक्सपेंस। यहाँ पर देखें हमें जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इनिशियल रिकग्निशन पर गेन आया, फिर हमें जो बायोलॉजिकल एसेट पर गेन आया, तो ये हमारी टोटल इनकम बन गई। उसमें से हमने रेलिवेंट एक्सपेंसेस लेस किए, तो प्रॉफिट और टैक्स एक्सपेंस लेस करके हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। नोट्स में बात करें तो आप जिस तरह से बता देते हैं ऑपरेशंस एंड प्रिंसिपल एक्टिविटीज़, यानी आपने नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ बता दी, यहाँ पे देखें आउटपुट बता दिया आपने, आपके पास कितने बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, काउज कितनी हैं, हीफर्स कितने, तो ये सब आपने यहाँ पे डिस्क्लोज किया। फिर अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बता दी, जो कि मेनली तो यही होगी कि हम जो है उसको मैयर करते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे,
और समटाइम्स अवेलेबल ना हो तो फिर कॉस्ट मॉडल यूज करना पड़ता है। फिर बायोलॉजिकल एसेट की जो रिकंसिलेशन बनती है बेसिकली, तो यहाँ पे देखें कि ओपनिंग वैल्यू है, फिर परचेजेस की वजह से इजाफा हुआ, फेयर वैल्यू में जो गेन आया, तो यहाँ पर देखें फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज अलग अलग बताया हुआ है। तो ये बेसिकली आप इसे ज़रूरी नहीं होता बताना अलग, यानी आप इन दो अमाउंट्स को कंबाइन भी शो कर सकते हैं, लेकिन इनकरेज किया जाता है कि ये डिस्क्लोजर दिया जाए। और डिक्रीज ड्यू टू सेल्स, तो आपके पास क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट था। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी रिक्वायरमेंट है कि आप बतानी चाहिए, तो यहाँ पर भी एक बताई हुई है कि द कंपनी इज एक्सपोज टू फाइनेंशियल रिस्क राइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन मिल्क प्राइसेस, बट द कंपनी डज नॉट एंटिसिपेट दैट मिल्क प्राइसेस विल डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली इन द फॉरसिबल फ्यूचर, इसलिए कोई डेरिवेटिव या उन्होंने इसकी मैनेजमेंट के लिए नहीं किया। यानी देयर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इज बेसिकली टू एक्सेप्ट द रिस्क, कि अगर भाई कोई रेट्स में डिक्लाइन आ गया तो फिर वो नुकसान जो होगा उसको बेयर करेंगे, क्योंकि अपेरेंटली दे डोंट सी कि कोई इतने ज़्यादा चांसेज हैं नुकसान होने के। और फिर समटाइम्स जो कैलकुलेशन की जाती हैं, तो वो बेसिकली ये जो आपकी ओपनिंग वैल्यू 1000 और 108 की परचेजेज हैं, तो ईयर एंड पर जो आपके पास एसेट्स हैं वो 1400 के हैं, टोटल गेन 292 का है। तो अगर आप सिंपली ये भी शो कर दें तो दैट्स ओके, बट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्राइस चेंज सेपरेट और फिजिकल चेंज सेपरेट बता सकते हैं। तो बेसिकली प्राइस चेंज का तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप कहते हैं कि जो सेम एज का और सेम क्वालिटी का जो एक इलेक्ट से एनिमल है उसका रेट में क्या चेंज आया है, तो वो चेंज बेसिकली प्राइस चेंज है। और उसके अलावा जितना भी चेंज आया है वो इस वजह से वो आया होगा कि या तो किसी एनिमल की ग्रोथ हो गई होगी या डेथ हो गई होगी या जो है उसके लाइफ प्रोसेस एंड हो गया होगा, तो उस वजह से उसमें कमी आई होगी, तो दैट इज़ फिजिकल चेंज। तो ये इस बेसिस पर हम जो है इसको मेजर कर रहे होते हैं। तो ये एक जस्ट इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर आपके साथ शेयर करने थे ताकि एक आइडिया हो जाए कि जनरली चीज़ों का फॉर्मेट क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।